हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था जैव प्रक्रम में, जैसे कि दोस्तों इसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 7 जैव प्रक्रम का। अभी बायोलॉजी आपका चल रहा है और इसको दोस्तों हम 2 से 3 क्लास में आपका समाप्त करने वाले हैं, तो इसका 2 क्लास और लगेगा। एक आपका जो है सो थ्योरी पे बेस्ड होगा, एक में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम थ्योरी पार्ट में कवर नहीं कर पाए होंगे कुछ क्वेश्चंस, तो वो सारे को हम लोग जो है सो लास्ट क्लास में आपको करवा देंगे। और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जाएंगे उसको भी दोस्तों हम लास्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 7 और ये जो क्लास है ये जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है साइंस का, तो आप लोग इसको जो है सो पूरा देखिएगा ताकि जो है सो आप लोग का एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो सकेगा। अब देखिए आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। पहला है आपका ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो है ये है मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक और उनके कार्य, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो ब्लड ग्रुप आपका है रक्त समूह। रक्त समूह के बारे में इसमें एक नंबर में आपका हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज करता कौन है, ठीक है। तो ये इनका जो खोज है, ठीक है, रक्त समूह का जो खोज है ये कौन किए थे, तो ये किया गया था लैड स्टीमर के द्वारा। किसके द्वारा? लैड स्टीमर के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है ये है आपका रक्त समूह के प्रकार। इसमें अगला जो प्रश्न बनेगा हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सो आपका पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि रक्त समूह के प्रकार बताइए, ठीक है, कौन कौन से, और उनके नाम भी बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो रक्त समूह के प्रकार कितने हैं, तो इसके कुल यहाँ पे 4 प्रकार हैं, यानी कि 4 प्रकार के आपका जो है सो रक्त समूह होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। पहला होता है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा होता है ओ। तो देखिए यहाँ पे पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। तो ये देखा आपने ये 4 तरह का रक्त समूह होता है। तो आपका मेनली रक्त समूह से ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, मेनली आपको खोजकर्ता याद रखना है लैड स्टीमर, और सेकंड आपको याद रखना है इसके प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, पहला ए, सेकंड बी, थर्ड ए बी और फोर्थ आपका ओ। इसके बाद अगला है रक्तदान, ठीक है। रक्तदान ये क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछा नहीं भेजा, लेकिन आपको जो है सो ये चीज़ ऐसे ही नॉर्मली याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए रक्तदान हम लोग जब करते हैं तो इसके लिए तो आपको पता है कि इसका एज हम लोग को कम से कम 17-18 होना चाहिए, 18 से एबव होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम लोग को नॉर्मली रक्तदान नहीं करना चाहिए, और अगर हम लोग 18 के बाद रक्तदान करते हैं तो हम लोग एक टाइम में, मतलब कि 1 times यानी कि एक बार में कितना रक्त हम लोग जो है सो दान कर सकते हैं, तो ये होता है आपका 200 ml यानी कि 200 ml तक हम लोग मैक्सिमम जो है सो रक्तदान कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कितना कर सकते हैं, 200 ml। इसके बाद अगला है मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक और उनके कार्य, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों हमने आपको बता दिया है, हार्ट के बारे में भी हमने बताया था, हार्ट को कहा जाता है पंप, और कैसे कार्य करता है हार्ट इसका पूरा कार्य भी हम आपको अच्छे से और डिटेल में बताने वाले हैं पूरा विस्तार पूर्वक। तो इसके लिए दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आपको हम बना देंगे जो कि आज या कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये क्लास के अलावा, ठीक है। एक क्लास तो आपका रेगुलर मिल रहा है, इसके अलावा हार्ट का एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना करके या आज या फिर आपको कल तक हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मानव में जो वहन तंत्र है इसके प्रमुख घटक और उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख जो घटक है एक तो हार्ट हो गया, रक्त के बारे में भी हमने बता दिया है, धमनियाँ, सिराएँ और लसिका। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, पिछले जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कहेगा कि मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक बताइए और उनके कार्यों को लिखिए। तो आपको यहाँ पर इसीलिए हम ये चीज़ समझा दे रहे हैं यहाँ पे
क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है सो इस तरह का चेंज करके पूछा जा सकता है। तो आप लोग के लिए जो है सो ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन से प्रमुख घटक हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। देखिए, हार्ट, रक्त, धमनियाँ, सिराएँ और लसिका। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या कार्य हैं। हार्ट का कार्य है पंप करना किसका, ब्लड का। तो इसका एक हम सेपरेट वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे आपको हम इसका कार्य बता देते हैं, मेनली क्या कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जो है पंप करता है किसको, ब्लड यानी कि रक्त को। कैसे करता है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो धमनियाँ हैं और ये जो सिराएँ हैं ये वर्क करती है, ठीक है। ये क्या करती है, हार्ट से धमनियाँ क्या करती है, शुद्ध रक्त जो होता है ये क्या करती है, हार्ट से लेकर के जाती है और कहाँ तक जो है सो ये पहुँचाती है, पूरा हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वहाँ तक जो है सो धमनियाँ जो है सो क्या करती है, मतलब धमनी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यह जो है सो एक जैसे कि वाटर का जो टैंक होता है और जो वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर टंकी तो लगा हुआ रहता है बहुत, मतलब ऊपर में लगा हुआ रहता है, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको छोटे अथी में समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि नल लगा हुआ रहता है, नल अलग अलग स्थान पे लगा हुआ रहता है, बाथरूम में और किचन में, हमारे जो है सो कहीं पे बेसिन है तो वो सभी में अलग अलग जगह पे नल लगा हुआ रहता है, उसका टंकी एक जगह पे रहता है, ठीक है। तो टंकी क्या करता है, वहाँ से जो है सो प्रेशर बनाता है, तभी तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाइप हैं तो ये विभिन्न स्थानों तक यानी कि विभिन्न जगह तक जो है सो पानी को पहुंचाते हैं नल के माध्यम से। तो उसी तरह से दोस्तों ये जो धमनी है ये कार्य करता है, और ये इसको रक्त कहाँ से मिलता है, शुद्ध रक्त, तो ये हार्ट से जो है सो शुद्ध रक्त लेकर के और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और सेम यहाँ पे जो अपोजिट ये जो है सो अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है, उसके बाद ये कहाँ लेकर के जाती है, हार्ट में लेकर के जाती है, किस लिए, इसको शुद्ध करने के लिए। जैसे ही शुद्ध होगा तो फिर से धमनी क्या करेगी, ये जो है सो विभिन्न अंगों तक जो है सो क्या करेगी, पहुँचाएगी रक्त को, ठीक है। तो इसका भी कार्य हमने देखा, सिराएँ क्या करती है ये भी हमने समझा कल, इसके बारे में धमनी और सिरा के बारे में हमने विस्तार से बताया था। तो आप लोग कल के वीडियो को जो है सो अवश्य देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो आपका, ठीक है। अब देखिए अगला है रक्त। तो रक्त क्या करता है, रक्त दोस्तों ये जो धमनी है और ये सिरा है, ठीक है, ये दोनों के माध्यम से रक्त ही तो जाता है, ठीक है। रक्त में क्या होता है कि रक्त में विभिन्न प्रकार के हमारे लिए पोषक तत्व और विभिन्न तरह के पदार्थ होते हैं, जिसको रक्त क्या करता है, विभिन्न शरीरों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। हम लोग दोस्तों जो भोजन करते हैं ये तो हमारे पेट में जाता है, पेट से जैसे ही मतलब इसका पाचन होता है और जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसके बाद इससे जो भी पोषक तत्व जो कि हमारा शरीर अवशोषित करता है वो सभी जो है सो पहुँचाने का कार्य, विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य ये जो है सो जो आपका ब्लड है इसी के माध्यम से होता है। ये क्या करता है कि उन पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है सो पहुंचाता है। इसके बाद लसिका, जो कि पांचवा है आपका लसिका। तो लसिका मेनली ये हमें बचाता है किससे, संक्रमण से हमारी रक्षा करता है और हमें जो है सो बीमारियों से बचाता है। तो लसिका का यही मेनली कार्य है, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। अब आइएगा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो पॉइंट है मेरा वो है भोजन के पाचन में लार की क्या क्या भूमिका है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो अब लगभग हम लोग जो है सो सारे टॉपिक्स को कर चुके हैं, बस एक दोस्तों सबसे लास्ट जो है उत्सर्जन, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल आपका जो है सो लास्ट क्लास होगा। उसके बाद सिर्फ हम लोग एक क्लास और करेंगे जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो सारे को हम लोग कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, जहाँ जहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको हम बताते हुए चलते हैं। लेकिन एक जो है सो लास्ट का जो क्लास होगा उसमें भी आपको हम एक जगह पे सारे को बता देंगे कि कौन कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। तो भोजन के पाचन में लार की क्या क्या भूमिका है उसी को दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं।
तो पहला जो है हमारा ये है मुख में चिकनाई पैदा करती है। पहला क्या करती है लार, तो ये हमारे मुख में चिकनाई पैदा करती है जिससे कि हमारे शरीर में जो सॉरी जिससे कि चबाते समय जो है हमारे मुख में रगड़ जो है सो ना हो या फिर रगड़ कम हो। इस वजह से ये जो यहाँ पे आपका लार है ये मदद करता है, चिकनाई ला देता है ताकि किसी भी चीज़ को हम लोग जब चबाते हैं चबाते जाते हैं तो वो चीज़ क्या होता है मतलब चिकना होता जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है सो लार मिक्स हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्या करता है, यह भोजन को चिकना व मुलायम बनाता है जिससे आसानी से जो है सो हमारा जो भोजन है वो शरीर के अंदर जो है सो जा सकता है आसानी से, इसको चिकना और मुलायम बना देता है, ठीक है। तीसरा है यह भोजन को पचाने में भी मदद करता है। अब देखिए जब हम लोग भोजन को अच्छे से चबाते नहीं हैं, ऐसे ही भोजन जल्दबाजी में हम लोग खा लेते हैं तो क्या होता है कि उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो पाचक एंजाइम है लार जो है वो उसमें पूरा जो है सो मिक्स नहीं हो पाता है तो उसके पाचन में भी प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन जब अच्छे से जो एंजाइम या फिर जो लार है वो हमारे भोजन में मिक्स्ड हो जाते हैं, जो मिक्स्ड एकदम अच्छे तरीके से उसमें मिश्रित हो जाते हैं तो जो भोजन है इसका पाचन जो है सो अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह भोजन के पाचन में भी मदद करती है। इसके बाद देखिए अगला जो है हीमोग्लोबिन के कमी के परिणाम। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं इसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारा RBC है यानी कि जो रेड ब्लड सेल है इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो RBC है यानी कि रेड ब्लड सेल जो है RBC ये आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। किस वजह से, तो हीमोग्लोबिन के वजह से। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछेगा कि जो हमारा रक्त होता है ये लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछेगा कि रुधिर का जो रंग है ये रक्ताभ यानी कि लाल क्यों होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के वजह से ही होता है। देखिए ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसी में जो आपका RBC में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका वहन करता है, ये ऑक्सीजन का, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन का वहन तो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इसकी कमी के वजह से क्या होगा कि फिर इसका जो अवशोषण है ये जो है सो नहीं होगा और ये जो है सो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और इसका परिणाम ये होगा कि जो हमारा जैविक क्रिया है ये अच्छे से जो है सो संपन्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैविक क्रिया हमारे अच्छा से संपन्न नहीं हो पाता है। यहाँ पे सेकेंड है कि इससे जो है सो हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम नहीं करेगा और जब हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा जो पूरा शरीर है उसका जो कार्य क्षमता है वो घट जाएगा और हम लोग जल्दी जो है सो हमें क्या हो जाएगा, थकावट होने लगेगा, हम लोग जल्दी जो है सो थक जाएंगे, हमको आलस आएगा। ये सभी प्रॉब्लम्स होता है अगर हीमोग्लोबिन का जो है सो कमी हमारे शरीर में हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को हीमोग्लोबिन जो है सो चेकअप रेगुलर जो है सो करवाते रहना चाहिए। अगर हमको इस तरह का समस्या होता है, हमको ज़्यादा जो है सो आलस आता है या फिर आपको जल्दी जो है सो थकावट हो जाता है तो आप लोग जो है सो हीमोग्लोबिन जो है सो जाँच करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सभी के लिए दोस्तों आपको इसका चेकअप रेगुलर बेसिस पे आपको जो है सो इसका चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो इसको करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा भोजन के पाचन में लार की भूमिका और हीमोग्लोबिन के कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 7 था। अगले क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 8 देखेंगे और उसके बाद लास्ट होगा पार्ट नंबर 9, जिसमें हम लोग जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो संभावित प्रश्न है 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे मिल सकेगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।